वेलकम बैक क्लास एट्थ। क्लास एट्थ लास्ट जो हमारी ग्रामेटिकल वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है एडवर्ब को स्टार्ट किया था, एडवर्ब को डिफाइन किया था, उसकी एक्सरसाइज भी करना हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम हमारी जो बुक की ब्रेविया बुक से पेज नंबर 33 पर ग्रामेटिकल पोर्शन से 5.2 एक्सरसाइज है इसको करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। जो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन राइट प्लेस। जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इस वर्ड्स को करेक्ट स्थान पर हमें प्लेस करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। ये मैंने आपको बता दिया था 5.2, 5.3, 5.4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था आपकी बुक में, आपको फिल करने के लिए कहा था और शायद आप लोगों ने फिल भी इसको कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे चैप्टर नंबर 6 हमारी ब्रेविया बुक से, जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। प्री मतलब पहले की और पोजिशन यानी कि स्थिति, अगर इसको वर्ड को डिफाइन किया जाए तो। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति के बारे में क्लियर करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the same sentence। यानी कि prepositions वो शब्द होते हैं जो किसी noun या pronoun से पहले आकर दूसरे शब्दों के साथ किसी वाक्य में उन शब्दों के साथ noun और pronoun का relationship जो show करते हैं उन्हीं को prepositions कहा जाता है। जैसे कि there is a cat behind the wall and this bag is full of money। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है बिहाइंड शो द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द वॉल। कैट और वॉल के बीच में जो रिलेशन है बिहाइंड शो कर रहा है कि पीछे। कैट बिल्ली कहाँ पर है? दीवार के पीछे है, तो यहाँ पर बिहाइंड प्रीपोजिशन है। और सेकेंड सेंटेंस में ऑफ शो द रिलेशन बिटवीन मनी एंड फुल। मनी जो कि नाउन है और एडजेक्टिव जो कि फुल जो कि एडजेक्टिव है, इन दोनों के बीच में ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। प्रीपोजिशंस को निम्नलिखित कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट कैटेगरीज है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ सेकेंड, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, एंड थर्ड प्रीपोजिशंस ऑफ मूमेंट। प्रीपोजिशंस जो स्थान से संबंधित होते हैं पहली कैटेगरी में तो वो आ जाएंगे, जो समय और दिनांक से पर आधारित होती हैं वो प्रीपोजिशंस ऑफ डेट एंड टाइम, एंड मूमेंट से जो रिलेटेड होंगी वो प्रीपोजिशंस ऑफ मूमेंट। अब आइए एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, एंड प्रीपोजिशंस ऑफ मूमेंट। सबसे पहले प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। आपकी बुक में जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वर्क करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द लेडी इज सिटिंग इन द कार। द लेडी इज सिटिंग इन द कार, स्त्री कहाँ पर बैठी हुई है? कार के अंदर, यानी कि इनसाइड। इन शोज के कार के अंदर है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशंस है जो प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है। द बुक आर कैप्ट ऑन द टेबल। द बुक्स आर कैप्ट ऑन द टेबल, तो बुक्स जो हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं? टेबल पर रखी हुई हैं, तो ऑन यहाँ पे शो कर रहा है कि बुक्स जो हैं वो टच कर रही हैं टेबल को, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है। द कैट इज़ हेडिंग अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ पर छिपी हुई है? अंडर द टेबल, बिल्कुल नीचे। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे। प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट
जो आपका है वो है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, डिफाइन किया गया है आपकी बुक में, देख लीजिए। सम अदर प्रीपोजिशंस यूज टू इंडिकेट्स प्लेस, ऐसे प्रीपोजिशंस जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं, उनमें है आपके नियर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, बेंच, इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, अगेंस्ट एंड बियॉन्ड। ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो आपके प्लेस को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये प्लेस को इंडिकेट करने वाली ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ये सब अगर प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जा रहा है तो ये सब यानी कि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को शो कर रही हैं। सेकंड है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, जो समय और दिनांक को शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है द फर्स्ट बेल गोज एट 8 o'clock। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम शो किया गया है, ठीक निर्धारित समय। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। यहाँ पर ईयर बताया गया है, ब्रिटिशर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को कब छोड़ा था, 1947 में, तो बिल्कुल समय, निर्धारित समय बताया गया है। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त, यहाँ पे यूज़ किया गया है मंथ का। तो इस तरह जो समय और आपको दिनांक के बारे में बताएंगे वो सब आ जाएंगे आपकी टाइम एंड डेट के अंतर्गत। कुछ और इन एग्जांपल्स के अतिरिक्त भी कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जो समय और डेट को इंडिकेट करती हैं, वो हैं टिल, अनटिल, फॉर, सम, अबाउट, ड्यूरिंग, ऑन, इन, बाय, टू, बिफोर, आफ्टर एंड और भी। थर्ड है आपका प्रीपोजिशंस ऑफ मूमेंट, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस टूवर्ड्स। ही वेंट टू द पार्क, ही वेंट टू द पार्क, द वैन टर्न टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टू, टूवर्ड्स, दोनों की दोनों ही क्या मूवमेंट को शो कर रही हैं, तो ये आपकी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट कहलाती हैं, यानी कि डायरेक्शंस को शो करने वाली। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस फॉर्म, नीचे इसके दिया गया है आपके डायरेक्शन फॉर्म के, द प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स, और द ही लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच्ड द मॉल। इस पढ़ने के बाद बेटे आपको कुछ प्रीपोजिशंस मिलेंगी कि उन प्रीपोजिशंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे सबसे पहले दिया गया है आपको नेक्स्ट पेज पर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, ए पॉइंट में दिया है सबसे पहले एट, एट का प्रयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए, बिफोर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, छोटे गांव और शहर से पहले हम एट का यूज़ करते हैं, बिफोर ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस या ए बिल्डिंग, प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि जो निवास स्थान है उसके लिए और बिल्डिंग के लिए भी एट का ही यूज़ किया जाता है, विद नेम ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का अगर नाम है तो उसके नाम से पहले भी एट का ही यूज़ किया जाता है, टू इंडिकेट ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और स्टडी। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं या अध्ययन करते हैं बच्चे, जैसे स्कूल का नाम हो गया या किसी संस्था का नाम हो गया, उससे पहले भी हम एट प्रीपोजिशंस का ही यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम अगर बताया जा रहा है तो उससे पहले भी एट का यूज़ किया जाएगा, और टू इंडिकेट ए प्राइस, रेट और स्पीड, अगर किसी कहीं पर फिक्स प्राइस है, रेट है या स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स के बारे में, तो उससे पहले भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट विलेज काशीपुर, काशीपुर इज ए छोटा सा गांव है, उसके लिए इससे हमें एट इंडिकेट्स कर रहा है कि छोटा गांव या शहर है, तो एट का यूज़ किया गया है। वी लिव एट 58 मॉडल टाउन, एड्रेस को शो कर रहा है यानी कि रेजिडेंस को शो कर रहा है, तो यहां पर भी एट का यूज़ किया गया है। माई फादर वर्क्स एट द पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या हो गया, एक संस्था का नाम हो गया, तो इससे पहले भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक एट का यूज़ किया गया है। द ट्रेन डिपार्ट एट 3 o'clock, डेफिनेट टाइम बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, तो एट का यूज़ किया गया है। ऑनियंस सेल एट 50 rupees पर किलोग्राम, ऑनियंस सेल एट 50 rupees पर किलोग्राम, ऑनियंस का जो रेट है बिल्कुल डेफिनेट है 50 rupees, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशंस एट का यूज़ किया गया है। इसके बाद इन और इनटू, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है,
और इन टू का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इन शोज द रेस्टिंग पोजिशन इन साइड समथिंग। अगर हम किसी कमरे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी रेस्टिंग पोजिशन में हैं, बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा इनका। और इन टू डिनोट्स मोशन। अगर इन टू का यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब है मोशन में है, गति में है। टू एन इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड यानी कि अंदर के एरिया में, जैसे कि सी वॉज सिटिंग इन द चेयर कार, या चेयर कुछ भी हो सकता है। सी वॉज सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठी हुई है, यानी कि कार के अंदर जो बैठी हुई है मोशनलेस है, अंदर है, एक स्थान पर है। द कैट जंप्ड इन टू द वेल, द कैट जंप्ड। अब जो कैट ने जो जंप किया है वो मोशन में है, वो रेस्टिंग पोजिशन में नहीं है, मोशन में है, इसलिए इन टू का यूज़ किया गया है। ऐसे ही ऑन और अपॉन। ऑन इज़ यूज टू डिनोट्स ए थिंग इन रेस्टिंग पोजिशन, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। तो रेस्टिंग अगर पोजिशन है और सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन का यूज़ किया जाएगा। सेकेंड है अपॉन। अपॉन इज़ यूज टू डिनोट थिंग्स इन मोशन, अपॉन इज़ यूज टू डिनोट थिंग्स इन मोशन। अपॉन यूज़ किया जाता है अगर दूसरी जो वस्तु है वो मोशन में है, गति में है, उसके लिए। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। जो ये पेंटिंग है दीवार पर, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्टिंग पोजिशन में है, इसलिए ऑन द वॉल। द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट, जो ये कैट कर रही है, जंप कर रही है अपॉन द रैट, तो ये कहाँ पर, ये मोशन में है, इसलिए अपॉन द। बिटवीन और अमंग। बिटवीन, अगर दो चीज़ों के बीच में हम बात कर रहे हैं, बिटवीन इज यूज टू डिनोट समथिंग शेयर्ड बाय टू। दो चीज़ों के मध्य में अगर कोई चीज़ शेयर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो वहाँ पर अमंग का, बिटवीन का यूज़ किया जाता है। और अमंग इज यूज टू इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर रिसेप्शनिस्ट आर मोर देन टू। जिन चीज़ों के मध्य में चीज़ों को बांटा जा रहा है, अगर वो दो से ज़्यादा संख्या है, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अमंग का। जैसे द सीक्रेट विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड मी, यानी कि जो सीक्रेट है वो हमेशा हमारे दो के मध्य में रहना चाहिए, यू एंड मी। तो दो कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए केवल बिटवीन का यूज़ किया गया है। द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फाइव सन्स मोर देन टू। जब मोर देन टू हो जाएगा, दो से ज़्यादा हो जाएगा, तब हमें क्या यूज करना है, अमंग का यूज़ करना है। ठीक है बेटे। एंड बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज इसी तरह दिया गया है आपकी इसमें, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फॉर एंड सिंस का यूज़ दिया गया है, और उसके बाद विद एंड बाय को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद आपके कुछ प्रीपोजिशंस वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, क्या चीज़ शो करते हैं, जैसे अबाउट, एट, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, अप, विद, ये सब दिए गए हैं, किस वर्ड्स को कहाँ पर किसके साथ यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है, प्रीपोजिशंस, उनके जो कैटेगरीज हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, और उनके एग्जांपल्स भी आपको अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एक्सरसाइज को लेकर प्रिपेयर करेंगे, तब तक आप नोटबुक का वर्क कम्प्लीट करें। ओके एंड बाय।